स्टेट का जो है वो लेक्चर नंबर 23 है और हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.9 स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 पार्ट किए थे। आज हम लोग नेक्स्ट 3 पार्ट्स यानी 4 5 और 6 पार्ट्स करेंगे। इसमें से जो है फोर्थ वाला पार्ट था आपके सामने 2x + 7y = 10 3x + y = 3। ठीक है, तो हमने बेटा कि इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड्स कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशंस। तो दोनों इक्वेशंस में कौन सा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट 1 है? इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट 1 है, यहां से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, सो 3x + y = 3 + 3x उधर जाके क्या हो जाएगा - 3x। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में y in 1 equation 1 में y की वैल्यू पुट आउट करेंगे 2x + 7y = 10 2x + 7 y किसके इक्वल होता है 3 - 3x = 10 2x 7 3 = 21 plus minus minus 7 3 = 21x is equal to 10 21x माइनस 21 प्लस 2 माइनस 19x प्लस 21 तो जाके क्या हो जाएगा माइनस 21 माइनस 19x इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा 19x इज इक्वल टू 11 एंड x इज इक्वल टू 11 ओवर 19। ओके जी, अब ये x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट आउट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो पुट इन द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 putting the value of x in equation 2 3x plus y equals to 3 3 x is equal to 11 over 19 plus y equals to 3 11 through the 33 over 19 plus y equals to 3 so y equals to 3 minus 33 over 19 इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 19 19 3 का 57 माइनस 33 सो y इक्वल्स टू 7 माइनस 3 4 5 माइनस 3 2 सो 24 ओवर 19। ओके बेटा, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास इसी का 5 और 6 पार्ट है, वो भी देख लें उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस का मेथड बेटा ये आप तो सेम ही जी देखिएगा आगे मैं 5 वाला पार्ट जो है वो करवा रहा हूँ 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 10 2x minus 4y 2x minus 4y equals to minus 10 और दूसरी क्वेश्चन है y minus 5x equals to minus 5 y minus 5x equals to minus 5 तो किस इक्वेशन में वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है, x का 2 है y का 4 है x का 5 है y का 1 है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 इससे y की वैल्यू निकालें y minus 5x equals to minus 5 minus 5x तो आगे क्या हो जाएगा plus 5x so putting the value of y in equation 1 equation 1 में y की वैल्यू पुट आउट करें 2x minus 4y equals to minus 10 2x minus 4 y किसके इक्वल था 5x minus 5 equals to minus 10 2x minus 20x plus 20 equals minus 10 minus 20 plus 2 minus 18x और plus 20 को जाके क्या होगा minus 20 minus 18x is equal to minus 30 minus कट गया 18 बट 18x is equal to 30 18 बट 18 का ही हो रहा था जाके क्या हो जाएगा divide यहाँ पे कटिंग हो रही है
सिक्स फाइव का थर्टी, सिक्स थ्री का एटीन, सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 ओवर 3. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर आप x की वैल्यू पुट करते हैं, सो इक्वेशन 2 आ गई 5 माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 5, 5 माइनस 5, x किसके इक्वल आया था 5 ओवर 3 इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस 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 5 5 तो 25 ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस को लाके क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5, एलसीएम क्या आएगा 3, 25 माइनस 3 का आएगा 15, सो वाई हमारा किसके इक्वल आ गया 10 ओवर 3 के इक्वल. ओके बेटा, सो ये आपके साथ भी है, दो क्वेश्चंस पर बेटा इसकी करती है, जस्ट वन पार्ट, पार्ट नंबर 6 जो है इसका वो रिमेनिंग है, ये वाला पार्ट बेटा जी आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लिया. तो ये 6.9 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बेटा जी कंप्लीट हो गया.